पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जुड़ चुकी है। क्या है और कौन सी है वो बड़ी पर्सनैलिटी जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम पाकिस्तान के साथ जुड़ चुकी है, वो आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा टीम साउथ की इंजरी को लेकर बड़ी अच्छी खबर और खास तौर पर क्रिकेट न्यूजीलैंड को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। क्या है अच्छी खबर, वो आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा बाबर आजम से भी बड़ी परफॉर्मेंस रहने वाली है अब शाहीन शाह अफरीदी की। ये मेरे नए अल्फाज बल्कि इंडिया के क्रिकेटर्स ने बोले हैं। क्या कहते हैं वो शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। और हम अपनी इस रिपोर्ट का आगाज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो वो अहम शख्सियत है, वो अहम पर्सनैलिटी कौन सी है, वो पर्सनैलिटी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले सेकंड वार्म अप मैच से पहले जुड़ चुकी है, तो वो है जनाब मिक्की आर्थर साहब। जुड़ चुके हैं पाकिस्तान टीम के साथ 30 सितंबर को दोपहर को पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े। और जो आज पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन हुआ उसके अंदर भी मिक्की आर्थर साहब शरीक रहे। और अब वर्ल्ड कप से बाद, यानी वर्ल्ड कप पूरा वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। फिर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है, जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलनी है, उसमें भी मिक्की आर्थर साहब पाकिस्तान टीम के कैंप के साथ रहेंगे। और बाबर आजम से भी बड़ी परफॉर्मेंस अब रहने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस रहने वाली है शाहीन शाह अफरीदी की। ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि इंडिया के एक्स क्रिकेटर हर्षा बोखले ने बोले। उन्होंने कहा कि देखिये बाबर आजम एक क्वालिटी बैट्समैन है और जब भी वो रन करेंगे वो हीरो बनेंगे, लेकिन जो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो है पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर। और जब अगर पहले 10 ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी आपको विकेटें दिलाकर नहीं देंगे, 1 से 2 विकेटें पहले 10 ओवर में नहीं देंगे, तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम जो है वो बैकफुट पर लाजमी आएगी, क्योंकि शाहीन शाह जो है वो एक लीडर है वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की बॉलिंग का। अगर तो वो हीरो बनते हैं पहले 10 ओवर के अंदर, क्योंकि पहले 10 ओवर में ज्यादा से ज्यादा वो 1-2 विकेटें लेते हैं, तो डेफिनेटली बाबर आजम भी बैटिंग में हीरो बनेंगे। वो भी 70-80 रन करेंगे, फिर रिजवान भी करेंगे, फिर इमाम भी करेंगे, लेकिन जो की रोल, जो इंपॉर्टेंट रोल पाकिस्तान की टीम में प्ले करने वाले हैं वो है शाहीन शाह अफरीदी का। और इसके अलावा क्रिकेटर न्यूजीलैंड को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर और बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। उनका की बॉलर फिट हो चुका है और वर्ल्ड कप 2023 से पहले क्रिकेटर न्यूजीलैंड के स्क्वाड को ज्वाइन भी कर चुके हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि क्रिकेटर न्यूजीलैंड की जानिब से अपडेट आ रही है और बड़ी खुशाइन अपडेट आ रही है। और वो अपडेट ये है कि टीम साउथ ही वर्ल्ड कप स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप के, कुछ 1-2 पहले मैचेस वो नहीं खेल पाएंगे, यानी आप मान के चलेंगे इंग्लैंड और जो न्यूजीलैंड का पहला मैच है वर्ल्ड कप का 5 अक्टूबर वाले दिन जो मैच है उसमें भी शायद आपको टीम साउथ ही दस्तियाब नहीं होंगे। लेकिन पहले 2 मैचेस खेलने के बाद, यानी जब क्रिकेट न्यूजीलैंड टीम पहले 2 मैच खेल चुकी होगी, फिर उसके बाद आफ्टर फर्स्ट 2 मैचेस के बाद टीम साउथ ही प्रॉपर तौर पर आपको अवेलेबल होंगे खेलने के लिए।